लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, जल्दी से लाइक शेयर कर दो वीडियो को बिफोर वी बिगिन। और गुड इवनिंग ब्रजेश, प्रियंका, ज्योति, मुबेश, वैभव, कीर्तेश, आशीष, गुड इवनिंग, वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। जल्दी से वीडियो लाइक शेयर करो सो दैट वी कैन बिगिन। नमस्कार कीर्तेश, कैसे हैं? गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज वही सेशन है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, ये सेशन 9 बजे होता है, शाम को फिक्स टाइम है। 9 PM पे ये क्लास होती है, शाम को 9 बजे, जिसमें हम पहले करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टैटिक, और इस बार का स्टैटिक का टॉपिक क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत का जो संसद का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके ऊपर हम लोग आज थोड़े से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा इजी टॉपिक है, कल वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, तो सोचा आज थोड़ा इजी टॉपिक डाल देते हैं। एलन जेम्स, धीरेन्द्र, त्रिलोक, ग्रेट टू सी ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं सेशन। और आज इतने कम बच्चे कैसे हैं? शेयर नहीं किया आज वीडियो या लाइक नहीं किया? ना लाइक ज्यादा है ना व्यूअर्स लाइव ज्यादा है। जल्दी से शेयर करो सेशन, इट शुड क्रॉस एटलीस्ट 50, 50 लाइव से तो ज्यादा होना चाहिए अब। चलिए, पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जिसने 2020-21 के दौरान FDI इक्विटी प्रवाह में शीर्ष प्राप्त करता है, यानी सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा इनमें से किस राज्य ने लिया था? मैक्सिमम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस राज्य के अंदर हुआ था वित्त वर्ष 2020-21 की बात करें तो? वित्त वर्ष 2020-21 में कल वाले ने दिमाग घुमा दिया। कविता पीडीएफ सबने देखा, रिवाइज किया थोड़ा सा सबने कल वाले में, टेबल वगैरह सबने देखा, टेबल बनाया, कुछ प्रोग्रेस हुआ उसके अंदर? 5 स्टेट्स, 10 राज्य, 15 राज्य, कुछ कंप्लीट किया? FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, बाहरी कंपनियां जो इन्वेस्ट कर सकती हैं भारत के अंदर, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर राज्यों में बात करें तो सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो आया था गुजरात के अंदर। ठीक है, तो गुजरात कुछ टोटल जितना इन्वेस्टमेंट था, कुल इन्वेस्टमेंट में से 37% इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात लेके गया था। दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे था, और तीसरे नंबर पे था कर्नाटका। ठीक है, तो टॉप 3 राज्य जहां से इन्वेस्ट, जहां पे इन्वेस्टमेंट आया है FDI का, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। अब सबसे बड़ा सोर्स या स्रोत कौन सा था, यानी सबसे ज्यादा आया कहां से है? कुल FDI इनफ्लो कितना था और FDI इक्विटी प्रवाह कितना था टोटल? तो जल्दी से आंसर, कंट्री तो बता ही सकते हैं कौन सा स्रोत है, स्रोत देश तो बता ही सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि FDI इनफ्लो का स्रोत सबसे बड़ा कौन सा था। तो 3 साल से लगातार एक ही देश है और वो है सिंगापुर। सिंगापुर लगातार 3 साल से सबसे बड़ा स्रोत है हमारे FDI का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। दूसरे नंबर पे इस बार यूनाइटेड स्टेट्स रहा था, USA दूसरे नंबर पे था। टोटल इनफ्लो कितना रहा था, नहीं, टोटल FDI आया कितना था भारत के अंदर? तो पिछले साल से 10% ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कुछ 81.72 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट था। वहीं पे इक्विटी इनफ्लो की बात करें तो ये कुछ 19% बढ़ा है, 19% बढ़ के 59.64 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट रहा था। ठीक है, तो इंक्रीज इसमें 10% का रहा, इसके अंदर 19% का रहा, परसेंटेज इंक्रीज भी बढ़ा है। ठीक है, और FDI इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा हुआ है बाकी राज्यों के कंपेयर, बाकी देशों के कंपेयर करें तो, वर्ल्ड रिपोर्ट देखें। चलिए, अब दूसरी चीज, हाँ, ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, ये चीज रह गई, रिलीज किसने करी थी ये रिपोर्ट? तो ये आई थी DPIIT की तरफ से। DPIIT, DPIIT क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने गार्जियन मिनिस्टर या अभिभावक मंत्री नियुक्त किए हैं?
हिमांशु कल की क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, पीडीएफ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल है, एक बार पीडीएफ जरूर देख लेना, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। चलिए, इनमें से कौन सा राज्य है जिसके जिनमें अभिभावक मंत्री अपॉइंट करें या गार्जियन मिनिस्टर्स अपॉइंट करें हैं, जो क्या काम करने वाले हैं, जितने उस राज्य के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर कितना डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, सब में बराबर से डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, योजना सही से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं, योजना जो इंप्लीमेंट होनी चाहिए जिस सेक्टर को इफेक्ट होना चाहिए उसको हो रहा है या नहीं, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसको हैंडल करना, यानी कि एक तरीके से जो योजना बन गई है उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किए जाएंगे और ये हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। कौन सा राज्य कर रहा है? मुस्कान, जलो, कविता, शुभम, हेलो एंड आंसर्स, मोस्ट का आंसर ऑप्शन सी और डी में है। रिसेंटली जहां पे इलेक्शन हुआ उन राज्यों में से है, ये बात सही है, लेकिन ये कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट का है, यानी असम के अंदर ये डेवलपमेंट हुआ है, असम के अंदर गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं और ये मिनिस्टर सारे डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे कि टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं कितने असम के अंदर, तो देर आर अ टोटल ऑफ 34, 34 डिस्ट्रिक्ट हैं असम के अंदर, तो 34 गार्जियन मिनिस्टर अपॉइंट होंगे। ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर आगे देखें तो ये जो अपॉइंटमेंट होगा, ये गार्जियन मिनिस्टर कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी एक होती है डीपीसी, ये लॉ के हिसाब से बनी हुई है, इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो गार्जियन मिनिस्टर। ठीक है, नाउ चीफ मिनिस्टर गवर्नर जल्दी से बता दो असम का, असम के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है ये बता दो, बस दो सिंपल से क्वेश्चन है, असम के नए चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है? ऐप पर क्यों नहीं होती क्लास शुभम? ऐप पर अभी होंगी, जो पेड़ वगैरह बैच वगैरह आएंगे उसके अंदर ऐप में भी होगी, है ना? हेमंत विश्व शर्मा, ऑल राइट, वी हैव आंसर जगदीश मुखी एंड हेमंत विश्व शर्मा, बिल्कुल सही, हेमंत विश्व शर्मा करंट मुख्यमंत्री है और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी करंट गवर्नर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल, आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल केंद्रीय मंत्री यानी केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये केंद्रीय मंत्री है कौन? आयुष यानी आयुष मंत्रालय किसके पास है? हु करंटली हैज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? आयुष के क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल ओपन किया गया है जिसके अंदर आयुष के जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आयुष मंत्रालय में, जितना भी मेडिसिन आता है उस सबको वो सारा कुछ उनको सपोर्ट देना या इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सपोर्ट देना, आयुष डॉक्टर्स के थ्रू सपोर्ट देना, उसके लिए रिपोजिटरी है। तो आयुष में पहली चीज आता कौन कौन है और दूसरी चीज आप लोगों के पास है कि मंत्री कौन है? शुभम, राहुल, त्रिलोक, चलिए आंसर, कुछ आंसर्स आए हैं, देर आर अ फ्यू आंसर्स। आयुष में है क्या क्या? इंडिपेंडेंट चार्ज जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, दैट इज विद श्रीपद नायक जी, तो श्रीपद येसो नायक या श्रीपद नायक जी ने किया, लेकिन ये तो यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन इसका लॉन्च जो है वो किरण रिजिजू ने किया था बिकॉज करंटली टेम्पररी चार्ज उनके पास है, तो किरण रिजिजू इज द वन हु हैज लॉन्च दिस, तो सिर्फ इसके लॉन्च की पूछेंगे तो लॉन्च किया है किरण रिजिजू जी ने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज कि आयुष मंत्रालय, आयुष में आता कौन कौन है? एक तो आयुष संजीवनी ऐप है टेली कंसल्टेशन के लिए, टेलीफोन कंसल्टेशन या जो दूर से कंसल्टेशन कर सकते हैं उसके लिए एक ऐप भी बनाया हुआ है आयुष ने। और आयुष की दूसरी न्यूज है कि आयुष 64 और कावासुरा कुदिनीर मेडिसिन, ये दोनों कोविड के टाइम पे बहुत हेल्पफुल हैं, ये दो मेडिसिन भी हैं। तीसरी चीज आती है कि आयुष के अंदर आता क्या क्या है, ये तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए, और ये ऐप तैयार किया किसने था? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो, बिल्कुल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, उनके पास एक्स्ट्रा चार्ज था जब श्रीपद येसो नायक जी की हेल्थ सिचुएशन थोड़ी खराब हुई थी, है ना?
चलिए आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या होगा? तो आयुष संजीवनी ऐप जो है, ये आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये दो मंत्रालय हैं जिन्होंने मिलके आयुष संजीवनी ऐप लॉन्च, ये तैयार किया था। आयुष के अंदर क्या क्या आता है जल्दी से? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। राहुल बिल्कुल सही, ऑल द 5 आर करेक्ट। आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये 5 मेडिसिन फॉर्म्स आयुष के अंदर आते हैं। नाउ, हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेजेस टू प्रॉपर्टी बिल या हरियाणा संपत्ति के नुकसान के वसूली विधेयक को हरियाणा के राज्यपाल ने हाल ही में मंजूरी दे दी। तो वर्तमान राज्यपाल है कौन हरियाणा का? जल्दी से पहला क्वेश्चन, राज्यपाल है कौन हरियाणा का? ये प्रॉपर्टी बिल जो है अब ये एक्ट बन गया, तो किसी को पता है कि ये क्या है? हरियाणा से यहाँ पे कुछ तो होगा। वो इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री वैसे श्रीपद येसो नायक जी के पास ही है। ही हैज अ टेम्परेरी चार्ज राइट नाउ। बी को लॉक कर दिया जाए। शोभित, मोगीश, राम, मनीष, भारत, हिमांशु, सत्यदेव नारायण आर्या। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सत्यदेव नारायण आर्या। ही इज द वन जो करंट गवर्नर है हरियाणा के। ये एक्ट है क्या? इस एक्ट के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, हरियाणा के अंदर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और उस दौरान पे किसी का घर या नो ठेली वगैरह को या घरों को, ऑफिस को, बसेस को, व्हीकल कुछ भी ऐसा जलाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस केस में जितना भी लॉस हुआ है वो सारा लॉस प्रोटेस्ट करने वालों से ही वसूला जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके का एक लॉ एक दूसरे राज्य ने भी किया था जो पहला राज्य था ऐसा लॉ लाने वाला, तो कौन सा था? और हरियाणा के अंदर तो एक रिजर्वेशन बिल भी आया है, रिजर्वेशन भी किया है हरियाणा ने हाल ही में हरियाणा के लोकल्स के लिए। तो हरियाणा के जो लोकल हैं उनके लिए एक रिजर्वेशन भी आया है प्राइवेट सेक्टर में। कितना रिजर्वेशन है और कितनी जॉब प्रोफाइल पर है, यानी कितनी पे स्केल पे, कितनी आय पर कितना रिजर्वेशन मिल रहा है लोकल्स को? जल्दी से आंसर। 75% यूपी, दिल्ली और यूपी ने भी किया है। बिल्कुल, इससे पहले सबसे पहले यूपी ने लेके आया था 2020 के अंदर, उनका एक्ट बन गया था ये 2020 के अंदर, और 2021 के अंदर अब हरियाणा का बन गया है। रिजर्वेशन 75-75% कितनी पे आए राहुल? बिल्कुल सही, 50,000। 50,000 तक की जो आय वाली पोजीशंस है, ऐसी पोजीशन जहां पे 50,000 तक की इनकम है उसके अंदर 75% तक का रिजर्वेशन इज गोइंग टू बी देयर फॉर लोकल्स। अगर कोई लोकल नहीं मिल रहा है तो उनको ट्रेन करो, दैट इज द रूल। इसके अलावा और कौन सा राज्य है जो ऐसा रिजर्वेशन लेके आया है? हरियाणा के अलावा इसको देखा देख और राज्यों ने भी इंप्लीमेंट किया इसे, तो कौन कौन से राज्य हैं बाकी? मानचु रखना तो चाहिए अपडेट, थोड़ा बहुत अपडेट तो रहना चाहिए। एमपी ने किया है, झारखंड ने किया है, तो झारखंड इज वन ऑफ दोज। झारखंड भी ऐसा रिजर्वेशन लेके आया, लेकिन इनके अंदर पे स्केल का डिफरेंस है। इसमें 50,000 तक है, झारखंड में आई थिंक 30,000, 30,000 तक की पे स्केल के लिए है। हाँ, एमपी के अंदर भी आया है ये। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश है जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्मोकर्स यानी जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस देश के अंदर बढ़े हैं? सबसे ज्यादा किस देश के अंदर धूम्रपान करने वाले लोग बढ़े हैं? हाल ही में रिपोर्ट आई थी ग्लोबल बर्डन ऑफ द डिजीज, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी। अभी वर्ल्ड नो टोबैको डे आने वाला है, नो तंबाकू दिवस, तो उससे पहले एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी कि कौन कौन से देश में कितनी स्मोकिंग है और कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितना एडिक्शन है उस चीज को लेकर के। तो भारत का रैंक क्या था और टॉप किसने किया है? यूएसए होगा, इंडिया होगा, देवाशीष, राहुल, शिवम, मुस्कान, जनीश, बाकी सब कहाँ हैं? सारे सिर्फ देख रहे हैं, आंसर भी करो साथ साथ में और वीडियो शेयर और लाइक जरूर करो। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वीडियो लाइक शेयर जरूर करो प्लीज।
चलो आंसर इस वाले का क्या होने वाला है, चाइना। सबसे ज्यादा स्मोकिंग चाइना के अंदर है, दूसरे नंबर पे इंडिया है, तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया और चौथे नंबर पे यूएसए। ये इसी रैंक में टॉप 4 देश हैं, और पांचवा भी याद रखना है तो रशिया। ये 5 देश है टॉप 5 कंट्रीज जहां पे टबैको स्मोकर्स सबसे ज्यादा। टॉप 10 देश देखे तो एक तिहाई विश्व में जितने स्मोकर्स हैं, एक तिहाई तो टॉप 10 देशों में आ जाता है। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है कि वर्ल्ड नो टबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। अभी आने वाला है जल्दी, तो कब मनाया जाता है और कौन ऑब्जर्व करता है, हु ऑब्जर्व्स इट, कौन ऑब्जर्व करता है, कौन मनाता है इस दिवस को और कब मनाते हैं इस दिवस को। 31 मई, बिल्कुल सही, मई के बिल्कुल एंड में, 31 मई, 31 मई को होता है नो टबैको डे। और ये कौन ऑब्जर्व करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इसे ऑब्जर्व करता है। कब मनाया गया था सबसे पहले, 1987 में इस दिवस को मनाना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट, करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के वर्तमान प्रशासक कौन है, हु इज द करंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के करंट एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, ये तो आप लोगों को इतनी बार मैंने कराया शुभम, ये तो पता होना चाहिए WHO के हेड कौन है। वैसे टेड्रोस एडेनम है, डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडेनम WHO के। और हेडक्वार्टर कहां पर है इसके, WHO के हेडक्वार्टर कहाँ है WHO के, इतना ज्यादा न्यूज में है पता होना चाहिए अब तक। तो ऑप्शन सी, राहुल, शिवम, शुभम, देवाशीष, अभय, मुस्कान, बहुत अच्छा आंसर्स, बिल्कुल सही, प्रफुल्ल खोदा पटेल इज द वन। ये बहुत डिबेटेड प्लेस है लक्षद्वीप अभी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लॉज ऐसे पास हुए हैं, कुछ ऐसे ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं जो बहुत अपोज किए जा रहे हैं। बेसिकली तीन ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको बहुत अपोज किया जा रहा है, तो इन पॉलिसीज के बारे में देखते हैं। पहली पॉलिसी है लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 या मसौदा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। इसके हिसाब से लैंड ओनर्स, जिनकी लैंड है, उनको भगाया जा सकता है अपनी लैंड से, यूजिंग पावर ये लैंड से हटाया जा सकता है लोगों, ठीक है, चाहे वो उसके ओनर है तब भी से। काफी रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं वो काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं लैंड ओनर्स को, इविक्शन यानी पावर्स उनको हटाने के लिए यूज की जा सकती है। दूसरी चीज है एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट या असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम। इसके अंदर क्रिटिसिज्म किस चीज को लेकर है कि किसी भी इंसान को ये इस लॉ के तहत अरेस्ट कर सकते हैं और 1 साल तक के लिए, अप टू 1 ईयर, बिना पब्लिक डिस्क्लोजर के बंद रख सकते हैं, यानी लोगों को पता भी नहीं होगा और 1 साल तक के लिए उसे बंद रख सकते हैं। पंचायत नोटिफिकेशन का जो ड्राफ्ट तैयार है, लक्षद्वीप मसौदा पंचायत अधिसूचना, इसके अंदर क्या है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके 2 बच्चों से ज्यादा हैं तो वो कभी भी पंचायत का मेंबर नहीं बन पाएगा, ठीक है, मेन पंचायत मेंबर्स में नहीं आएगा अगर उसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। ये ड्राफ्ट पंचायत नोटिफिकेशन है, ड्राफ्ट है, ये दोनों अभी इंप्लीमेंट होने में नहीं आए हैं, लेकिन काफी डिबेटेबल है। लक्षद्वीप की कैपिटल और टोटल आइलैंड तो बता सकते हो, कावरत्ती, कावरत्ती लक्षद्वीप का कैपिटल है, कावरत्ती, तो कावरत्ती इज द कैपिटल। टोटल आइलैंड कितने हैं लक्षद्वीप के अंदर, और प्रफुल्ल पटेल की अगर बात करें तो प्रफुल्ल खोदा पटेल जो है ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जैसे दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये अभी 2020 में यूनाइट हुआ था, यानी मर्ज करके एक ही यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तो इसके सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे प्रफुल्ल पटेल या प्रफुल्ल खोदा पटेल जी को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ लक्षद्वीप के बारे में बात करते हैं, जल्दी से आंसर, कई बार बताया हुआ है ये, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पहले पता होना चाहिए, उनके तरफ से तो आंसर आने चाहिए। 36, 36, 36 आइलैंड मैक्सिमम ऑफ यू आर गोइंग विद,
ऑल राइट, 36 बीइंग द राइट आंसर. टोटल आइलैंड्स 36 है, 36 आइलैंड्स. नाउ व्हिच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ स्मार्ट विंडो मटेरियल व्हिच कैन ऑटोमेटिकली कंट्रोल क्लाइमेट ऑफ बिल्डिंग्स. ऐसा स्मार्ट विंडो तैयार किया गया है जो इमारतों की जलवायु को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकता है, यानी कि अब से रूम का टेम्परेचर सेट भी करने की जरूरत नहीं है, जो विंडो है वही सेट कर देगा पूरे बिल्डिंग का टेम्परेचर. तो सर्दियां हैं तो वार्म करना है, थोड़ा गर्म करना है, तो उसके लिए भी वोल्टेज वगैरह पूरा सप्लाई दिया है. तो चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, दोनों में ही अपने आप को एडजस्ट कर सकता है. तो कौन से, किसने तैयार किया है ये? शुभम, यस, टेलीग्राम पे है. वैभव, योर डाउट मस्ट हैव स्किप्ड. ऑल राइट मैडम, आई मस्ट हैव स्किप्ड द डाउट, आई कांट रिकॉल, काफी वो हो गए कमेंट्स. चलिए, आईआईटी खड़गपुर नहीं, आईआईटी खड़गपुर नहीं, ये गुवाहाटी का है. इट इज आईआईटी गुवाहाटी जिसने ये स्मार्ट विंडो तैयार किया है जो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल कर सकता है बिल्डिंग्स का. इससे पहले गुवाहाटी ने वो जो एक नया इन्वेंशन था जिसके अंदर एयर से वाटर बन सकता है, हवा से पानी बन सकता है, ये भी गुवाहाटी ने ही किया था एयर से वाटर बनाने के लिए. और इसके लिए कियोस्क सेटअप भी हो गया, यानी इसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू हो गया है. और ये बेंगलुरु के अंदर सेटअप हुआ है, फिर रिमेम्बर राइट, बेंगलुरु के अंदर इसका फर्स्ट कियोस्क सेट भी कर दिया गया है जिसमें एयर से वाटर तैयार किया जा सकता है. Which ministry has launched services e-health assistance and teleconsultation OPD portal? एक OPD portal launch किया गया है, सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श OPD portal. ये किसके द्वारा launch किया गया है? क्योंकि लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी, लेकिन इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज भी तो है. एक जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसके अंदर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी होती है, एक जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता जिसमें लेजिस्लेटिव पावर नहीं होती है. ठीक है, तो लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, तो इसलिए उसकी कैपिटल भी है. जम्मू एंड कश्मीर की भी कैपिटल है ना, तो उनके अंदर कैपिटल होता है जिसके अंदर ये पावर दे रखी है प्रेसिडेंट. दो तरीके की यूनियन टेरिटरी होती है, जैसे लेह लद्दाख दे ऑल्सो हैव अ कैपिटल ऑल्दो, पर लेकिन उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है. तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्पेशल पावर्स विच हैव बीन गिवन. स्पेशल पावर्स भी होती है, स्पेशल एक्सक्लूसिवनेस भी है, काफी स्टेट्स में भी है एक्सक्लूसिवनेस, काफी यूनियन टेरिटरीज में भी है. डिफेंस डिफेंस डिफेंस, ऑल राइट, बिल्कुल सही आंसर डिफेंस है. द आंसर इज गोइंग टू बी डिफेंस. डिफेंस मंत्रालय ने किया है और ये किसके लिए है? बेसिकली डिफेंस के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग जो 75 से ऊपर के लोग हैं उन लोगों को हेल्थ कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे उन लोगों को लाइन में वेट ना करना पड़े ज्यादा टाइम के लिए. और तो उस चीज के लिए 75 या उससे ऊपर के लोग हैं, बिना वेट करे उन लोगों को डॉक्टर की सर्विस अवेलेबल हो, उसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, कंसल्टेशन पोर्टल, राइट. और ये डिफेंस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है. यूनियन मिनिस्टर तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, जल्दी से बताओ. चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, डेफिनेट. चीफ मिनिस्टर इज समवन जो इलेक्ट होके और आना होता है. एडमिनिस्ट्रेटर इज समवन जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करके देता है. तो यूनियन टेरिटरीज आर दोस जहां पे प्रेसिडेंट का रूल है, और प्रेसिडेंट का रूल है तो वहां पे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करके देगा. तो यूजुअली अभी तक ट्रेंड था कि सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स अपॉइंट होते थे, लेकिन प्रफुल्ल पटेल इज अ पॉलिटिशियन और इनके साथ ये ट्रेंड ब्रेक हो गया, यानी कि अब पॉलिटिशियंस को भी एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं विद इफ दे हैव इनफ यू नो एक्सपीरियंस. यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, बिल्कुल सही, राजनाथ सिंह इज द करंट यूनियन मिनिस्टर. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, एक अवार्ड है प्रिंसेस ऑफ एस्ट्यूरिस अवार्ड, ये सामाजिक विज्ञान श्रेणी में एक अवार्ड दिया गया. इनमें से किसको ये अवार्ड दिया गया था? ये स्पेन का शीर्ष पुरस्कार है, स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड है सामाजिक विज्ञान के अंदर, ये अवार्ड दिया गया. इनमें से कौन इसका रेसिपिएंट था? और ऐसे ही जापान का सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड, जापान का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड
हाल ही में दिया गया था, तो वो किसे दिया गया था और क्या नाम था? एनीवन रिमेम्बर्स? यहाँ अलग ही ट्रेंड चालू हो गया वैभव। देवाशीष, शुभम, मनीष, चलिए आंसर जल्दी से। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, मार्था नासुम्बो, नबनतीव देवसेन। ऑप्शन, नो आइडिया। वेल, इट इज एन इंडियन, अ वेरी फेमस इंडियन। अमर्त्या सेन जी को इससे सम्मानित किया गया है। अमर्त्या सेन जी हैज बीन ऑनर्ड विद दिस। कुछ 41 कैंडिडेट्स थे जिनमें से ही हैज गॉट द टॉप अवार्ड, और ये स्पेन का सबसे बड़ा अवार्ड है सोशल साइंस कैटेगरी में, जिसका नाम है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। ठीक है, जापान का तो कौन सा था? विच वॉज देयर ऑफ जापान, हाल ही में दिया गया था। धवली सिंह? नहीं, धवली सिंह नहीं थे। रिकॉल दैट, ये कराया मैंने, इसी मंथ के करंट अफेयर्स में था। रिकॉल दैट क्विकली। तब तक के लिए हम इसकी अवार्ड की और डिटेल्स देखते हैं। तो पहली बात, अमर्त्या सेन किस काम के लिए ज्यादा जाने जाते हैं? इनका जो वर्क है ये पॉवर्टी पॉवर्टी और फेमाइंस, फेमाइंस यानी जो सूखा पड़ता है वहां पे उनकी जो हेल्प जाती है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो इन दोनों के कैटेगरी में जो इनके वर्क्स हैं उसके लिए इनको ऑनर किया गया। इसमें इनको प्राइज मनी कितना दिया गया था? 50,000 यूरोस, 50,000 यूरोस का अवार्ड मनी है। फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, तो नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? बेंगलोर बेस्ड एक लेडी है, शकुंतला सेन, इफ आई रिमेम्बर राइट, शकुंतला सेन थी। चलिए, इनको अवार्ड मिला था इकोनॉमिक साइंस के लिए 1998, बिल्कुल सही, इकोनॉमिक के अंदर मिला था शुभम, 1998 के अंदर। और इसके अलावा इन्हें भारत रत्ना भी मिला है। तो भारत रत्ना कब मिला था? भारत रत्ना इज द हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्ना अवार्ड। और ये कब मिला था इन्हें? एक साल बाद, यानी 1999 के अंदर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, वो भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए था, राइट। इसके अलावा 2020 में इनको पीस प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज नहीं है, एक पीस प्राइज दिया गया था, लेकिन ये था जर्मन बुक ट्रेड का, जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से इनको पीस प्राइज दिया गया था 2020 के अंदर। और 2021 के अंदर इन्हें स्पेन का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। तो ये इनकी अवार्ड्स हैं, ठीक है? यस, चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट रिसेंटली? जल्दी से, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट किसने अप्रूव किया है? टेलीग्राम चैनल? देखो, टेलीग्राम चैनल एक तो सफलता क्लासेस का है, सफलता क्लासेस का यू माइट गेट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी शायद लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो एक सफलता क्लासेस है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉन्टैक्ट ऑन माई प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए यू कैन टेक द चैनल बाय द नेम आशिमा शुक्ला, मेरे ही नाम से है वो। असम, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर, पश्चिम बंगाल इज द स्टेट गवर्नमेंट जिसने लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट के साथ साथ दो और प्रोजेक्ट अप्रूव करे। टोटल तीन प्रोजेक्ट है, तो पहले इस वाले प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट ओवरव्यू क्या क्या है। तो ये पहली बात, तो फीमेल हेड्स जिनकी ये एक इनकम स्कीम है फीमेल हेड्स के लिए, जिनके घरों में फीमेल हेड हैं, तो जो फीमेल है उसको 500 रुपए मंथली अलाउंस, 500 रुपीज पर मंथ, मंथली अलाउंस 500 रुपए इस स्कीम के अंदर दिए जाएंगे। और अगर फैमिली, अगर वो SC ST कैटेगरी से हैं, तो उनको 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ फीमेल को दिए जाएंगे, मेल हेड से रजिस्टर नहीं होना है। फीमेल ने अगर रजिस्टर किया है तो उनको मिलेगा।
दूसरा है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव, छात्र क्रेडिट कार्ड पहल। इसके अंदर क्या होगा, लोन इजीली अवेलेबल होगा, स्टूडेंट्स को कम इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट कितना, 4% के इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होगा। और ये कितने तक का लोन ले सकते हैं, 10 लाख तक का लोन। फिर है द्वारे राशन, द्वारे यानी घर के दरवाजे तक राशन अवेलेबल होगा। तो मंथली राशन, मासिक तौर पे जो राशन आता है, मंथली राशन, वो डोर स्टेप पे घर घर पे अवेलेबल होगा। जैसे दिल्ली में एक स्कीम शुरू हुआ था ना, घर घर पे सारा जितने डॉक्यूमेंट्स है सब घर घर डिलीवर होंगे, ऐसा ही कुछ मंथली राशन या मासिक तौर पे जो राशन है वो द्वारे राशन के थ्रू अवेलेबल होगा। ठीक है, चलिए। जी हाँ बिल्कुल वैभव, बिल्कुल पंडित ही हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन राउंड पे। और आज हमारा कौन सा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर है। तो अब आज वाले सेशन के अंदर आई वॉन्ट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आंसर आने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में यहाँ पे सबको इंटरेस्ट है ना, सबका फेवरेट टॉपिक है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो फिर आंसर तो पता ही होने चाहिए, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को इनमें से और किस नाम से भी जाना जाता है, कैबिनेट सरकार, रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार सरकार, और वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही दूसरा नाम है, इनमें से कौन सा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑल शोभे देवाश्री राम, कविता, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सबका, ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल सही। इनको तीनों तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, कैबिनेट, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल दो दिखे तो या तो बोथ का होना होता तो कंफ्यूजन होता, ऑल ऑफ दी अबव है तो ऑल ऑफ दी अबव हो गया। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिला, काफी देश है, जैसे इंडिया तो है ही, ब्रिटेन भी है, काफी सारे ऐसे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली अगर है तो उसके डीमेरिट क्या होंगे, यानी कि अवगुण क्या है संसदीय प्रणाली के, अवगुण क्या क्या है। ये गलती से मार्क हुआ है, डोंट कंसिडर दैट एज एन आंसर, कि गलती से है ये, जान के नहीं हुआ है। चलो आंसर फॉर दिस, डीमेरिट या अवगुण क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अवगुण क्या है या डीमेरिट्स क्या है। Alright, we have a few answers. Option D, ये भी option D सबका, वैभव, शोभित, कविता, परबिंदु, alright, option D, most of you are going with option D, all of the above, ये सब demerit है, compressed representation, यानी कम लोगों का representation है, और उसको filter out भी कर देते हैं। पॉलिसीज बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि अगली बार कोई और सरकार आएगी फिर से पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी। टेम्परेरी सरकार है क्योंकि एक फिक्स टाइम है, चाहे 5 साल हो, 6 साल हो, 10 साल भी हो, तो एक टेम्परेरी तौर पे है, परमानेंट सरकार नहीं है कि हाँ भाई पॉलिसीज अब उनको इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, फेडरल सिस्टम इन इंडिया, भारत में जो संघीय प्रणाली है वो किस देश से हमने लिया। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों को पता है, बोरोड है, बहुत सारी जगह से हमने बोरो किया है। तो क्वेश्चन है कि जो फेडरल सिस्टम है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, फेडरल सिस्टम किस राज्य से लिया, जल्दी से आंसर। हिमांशु, आई एम नॉट एट अ पॉइंट, क्योंकि मेरा इंटरनेट यहाँ से सही है, ये आगे से जो रीस्ट्रीम हो रहा है वहां से दिक्कत आ रहा है, तो उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये मेरी तरफ से एरर नहीं है। कनाडा, कनाडा, यूके, अमेरिका, फेडरल सिस्टम जो है ये हम लोगों ने कनाडा से लिया है। फेडरल सिस्टम कौन सा वाला सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम होता है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार दोनों अलग अलग होती है, यानी पावर्स बटी हुई होती हैं राज्य की और केंद्र की, तो वो वाला सिस्टम होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये हम लोगों ने कनाडा से बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा गलत है, ये वाला मेरा ट्रांसलेशन रह गया, आई एम रियली सॉरी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए, इसका ट्रांसलेशन आई हैव skipped, just skip my mind, so I'll just explain it. लोकसभा में भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम वोटिंग करके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है या उनको रिप्रेजेंट किया जाता है।
98 टॉपिक्स है सेंटर की लिस्ट में अभी करंटली। और राज्य, देखो राज्य सेंटर लिस्ट, हमारे यहाँ पे तीन तरीके की लिस्ट है, एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है केंद्र की लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करंट लिस्ट। तीनों लिस्ट में डिफरेंस क्या है, सेंटर वाली लिस्ट में सेंटर के पास क्या क्या पावर्स है, कहाँ कहाँ पे चेंज कर सकता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास या राज्य के पास कौन कौन सी पावर है, और उनमें से किस, मतलब उन चीजों का लिस्ट है कि कहाँ कहाँ पे वो चेंजेस ला सकता है। और कॉन्करंट यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी चेंज या तो केंद्र भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है राज्यसभा, स्टेट को प्रोटेक्ट या बचाता है सेंटर के अननेसेसरी नो पोकिंग से। करंट लिस्ट 100, करंटली 101 आइटम है, यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के अंदर 101 आइटम है करंटली, ठीक है। इसके लिए कौन से स्केड्यूल में है, सेवंथ स्केड्यूल, सातवें स्केड्यूल के अंदर ये लिस्ट प्रेजेंट है और उसके हिसाब से 101 आइटम है, इसलिए ऑप्शन सी गलत है, बाकी सब सही है। अंडर नेम ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्य के परिषद का एक और नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी देखोगे तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, हम नॉर्मल लैंग्वेज में उसे कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, चलिए जल्दी से क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स को। एंड द आंसर इज राज्यसभा, बिल्कुल सही। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम लोग राज्यसभा कहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा जाएगा वो असल में राज्यसभा को कह रहे हैं या उसका डायरेक्शन राज्यसभा की तरफ है। फिर लोकसभा का नाम क्या है, अब राज्यसभा का तो हमने ऑफिशियल नेम देख लिया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तो लोकसभा का नाम क्या है, लोकसभा का दूसरा नाम, जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। और वीडियो लाइक शेयर करो, देखो 40 पे अटक गए, कम से कम 50 से ऊपर जाने चाहिए लाइक, एटलीस्ट 50 से ऊपर होने चाहिए, तो जल्दी से शेयर भी करो वीडियो को। अनीश, वैशाली, राम, वैभव, ऑलराइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, एंड देखो यहाँ पे भारत के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, ठीक है, तो हाउस ऑफ द पीपल हुआ ना, लोगों का घर हुआ वो, क्योंकि लोग ही तो इलेक्ट करके लोकसभा में भेज रहे हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं राज्यसभा को, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेट के जो एमएलए हैं, एमएलए इलेक्ट करके भेजते हैं राज्यसभा के अंदर, इसीलिए उसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो जब लोकसभा के अंदर लोग रिप्रेजेंट करवा रहे हैं तो उसमें हाउस ऑफ द पीपल हो गया वो, या लोअर हाउस भी बोल सकते हैं, यस, अपर हाउस भी राज्यसभा का नाम है और लोअर हाउस जो है वो लोकसभा का नाम है। पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज मिला करके पार्लियामेंट होता है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा इज पार्लियामेंट, ठीक है। एडहॉक कमिटी स्पेसिफिकली बनाई जाती है किसी पर्टिकुलर मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, तो ये जो स्पीकर है या राज्यसभा के चेयरपर्सन वो अपॉइंट करते हैं किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिस्कशन, इसे बहुत ज्यादा हीटेड डिस्कशन हो गया है तो उसमें एक प्रॉपर काउंसिल तैयार कर देते हैं कि ये कमेटी इस पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस करेगी, सारे मेरिट्स डीमेरिट्स देख के वो डिसाइड करेगी कि क्या पॉइंट्स रखने हैं और उसके बाद उसको आगे कैरी ऑन करना चाहिए या नहीं, तो वो एडहॉक कमेटी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा की कितनी होती है, अधिकतम कितने लोग रह सकते हैं राज्यसभा में, कितने लोगों की जगह है राज्यसभा में। शुभम, यस, वो मेरा ही चैनल है शुभम, और उसके अंदर आपको एक दूसरा चैनल मिलेगा, दैट इज माय एक्सक्लूसिव वन। 250 250 250, 250, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, 250 या 250 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, अधिकतम सीमा जो है राज्यसभा में 250 की होती है। करंटली कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, करंट कितने हैं अभी, वर्तमान में कितने हैं, और इसके अंदर प्रेसिडेंट के द्वारा कितने अपॉइंट होते हैं, तो वर्तमान में कितने हैं और प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट कर सकता है, दोनों चीजें जल्दी से, प्रेसिडेंट कितने नॉमिनेट कर सकता है, दो कल ही बताया है शायद ये, तो किसी क्वेश्चन के अंदर डिस्कशन चल रहा था। मोविश, आई हैवंट ओपन्ड दैट, कोई यहाँ पे अगर चैनल पे है तो वो शेयर कर सकता है, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।
245 करंट है, बिल्कुल सही। और प्रेसिडेंट की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कितने, 12 मेंबर्स, बिल्कुल सही, 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में। चलो लोकसभा का तो कैंसिल ही हो गया, लोकसभा रिप्रेजेंटेशन कैंसिल हो गया है, तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी हटा देते हैं, अब डिस्कशन हो ही गया है। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है? What do you mean by ex officio? कई बार आपने देखा होगा कि ये person ex officio chairperson है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई के गवर्नर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं, तो ये है कौन सा, क्या होता है एक्स ऑफिशियो? या एंग्लो इंडियंस वाला हटा दिया, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का था वो हटा दिया है, ऑप्शन बी, ये पिछले साल ही हटाया है। दिव्या, दिव्येंदु, राहुल, वैभव, ऑल राइट, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ओके, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। करंटली हु इज द वाइस प्रेसिडेंट, कौन है वाइस प्रेसिडेंट करंटली? एक्स ऑफिशियो का मतलब है अगर रैंक में कोई हाईएस्ट, जो भी उसमें प्रेजेंट है, उनमें जिनकी हायर रैंक है उसी को चेयरपर्सन बना दिया, वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हो जाता है। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जल्दी से आंसर, इसमें तो गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए और सबका आंसर आना चाहिए। एम वेंकैया नायडू, बिल्कुल सही, एम वेंकैया नायडू इज दी करंट वन। मेरा वैसे चैनल करंट अफेयर्स बाय आशुमा शुक्ला है, और इसके अलावा एक आशुमा शुक्ला के नाम से, वो आपको उसी के अंदर लिंक मिल जाएगा। आई थिंक 2 दिन पहले ही शेयर किया है, दोबारा शेयर कर दूंगी, वो एक्सक्लूसिव वाला है। तो बाकी एक CAGA वाला है, वो मेरा नहीं है, दैट इज नॉट माइन, दैट इज अ फैन पेज और सम अदर हैज क्रिएटेड विद माई नेम। नाउ टेन्योर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? और राज्यसभा में टाइम टू टाइम जो हर 3 साल में रिटायरमेंट होता है, तो 3 साल में कितने लोग रिटायर होते हैं? 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, देखो 6 साल, बिल्कुल सही, 6 साल एक कंप्लीट टर्म पीरियड होता है राज्यसभा का। राज्यसभा में मेंबर है तो 6 साल रहेंगे, लेकिन 3 साल में पार्शियल रिमूवल होता है, तो कितने लोगों को रिमूव करते हैं 3 साल में? कितने लोगों को? 1/3, बिल्कुल सही, देर आर 1/3 ऑफ मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर देते हैं 3 साल में। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू मनी बिल एंड वेयर इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक या मनी बिल से संबंधित है, और इनमें से किस हाउस के अंदर इसे रिप्रेजेंट या किस घर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है? मनी बिल कौन से हाउस में रिप्रेजेंट होता है या कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पर लाया जाता है, और कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर इसे होता है? बिल्कुल शुभम, डील तो बराबर लेनी चाहिए ना। चलिए आंसर इस वाले क्वेश्चन का क्या है, 11th क्वेश्चन का आंसर है 110। पहली बात, आर्टिकल है 110, यहाँ पे अब दो ऑप्शन है, या तो राज्यसभा या लोकसभा। मनी बिल जो है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, देयरफॉर ऑप्शन बी गोज एज द राइट। तो 110 लोकसभा। इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी नहीं है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए? नॉट नहीं भूलना है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी या मानदंड नहीं है? तो ये याद रखना है कि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड? नहीं, वो अलग ही रहने देते हैं अभी वैभव, नहीं इतना ज्यादा डिटेल नहीं आउट करना चाहिए ना। देवाशीष, राहुल, ऑल राइट, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मस्ट बी फ्रॉम आर्ट्स फील्ड, आर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल सही। 25 से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, मेंटली बिल्कुल सही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ, ऐसा कोई ऑफिस या ऐसा कोई बिजनेस जिससे अगर वो पार्लियामेंट में आता है तो वो अपने बिजनेस को बेनिफिट कर सके, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आर्ट्स फील्ड का होना ये जरूरी नहीं है, किसी भी फील्ड से हो सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत के संविधान के हिसाब से मैक्सिमम लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? राज्यसभा की तो हमने देख ली 250 होती है, लोकसभा में अधिकतम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं लोकसभा में? अब विशाली, मुस्कान, राहुल, जनेश, ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स। देवेंदु, राहुल, ऑल राइट, वी 552, दैट बीइंग द आंसर। 552 इज द टोटल या मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर्स। नाउ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन रहता है? हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर, या ये कहें जो हेड है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा को, मेन डिसीजंस जो हो रहे हैं लोकसभा में, वो कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है? शुभम, ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन रखे हैं पार्लियामेंट के, और अभी पिछले 4 साल से तो पार्लियामेंट के इतने सारी न्यूज रही है कि आप लोगों को अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए। चलिए, आंसर स्पीकर, बिल्कुल सही। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द वन जो लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। लोकसभा के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? अभी अभी बताया था। मिनिमम एज कितनी है, न्यूनतम एज कितनी है लोकसभा के लिए? अभी अभी देखा था हमने कितनी थी, मिनिमम 25 एज या 25 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के अगेंस्ट आ रहा है तो वो कहाँ पर प्रस्तुत होना चाहिए? अगर कोई अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो इनमें से किस हाउस के अंदर पेश किया जा सकता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर आएगा? अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है सरकार के अगेंस्ट तो सबसे पहले कहां पर आएगा? लोकसभा के अंदर, बिल्कुल सही। तो देवाशीष, बिल्कुल सही, एंड ऑल दी अदर्स, लोकसभा इज द वन जहां पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अगर पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा। लोकसभा के कितने सेशंस होने ही चाहिए? एक साल के अंदर कितने सेशंस होने ही चाहिए? मिनिमम कितने सेशंस होने चाहिए? न्यूनतम बताओ पहले तो। सबसे कम, कम से कम कितने सेशंस होते ही हैं लोकसभा के? पार्लियामेंट में सिटिंग सबसे कम कितनी होनी चाहिए? आकाश, टैंगो, चार्ली, अभिनंदन, शुभम। नॉर्मली हमारे 3 होते हैं। देखो, नॉर्मली हम लोगों के 3 सेशंस होते हैं। यहाँ पे मिनिमम ऐड नहीं किया है तो आंसर 3 होगा, क्योंकि हमारे 3 सेशन होते हैं लोकसभा के। लेकिन अगर मिनिमम पूछेंगे तो मिनिमम 2 सेशन होने ही चाहिए। क्यों? ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट की सिटिंग हर 6 महीने में होना बहुत जरूरी है। तो हर 6 महीने में तो सिटिंग होनी ही चाहिए पार्लियामेंट की। देयरफॉर कम से कम 2 सिटिंग तो हो गई। लेकिन अभी हम लोगों की 3 सिटिंग होती है। एक होती है मॉनसून सिटिंग, एक होती है विंटर सिटिंग, और एक होती है हमारी बजट सिटिंग। ठीक है, तो वर्तमान में हम लोगों के लोकसभा की 3 सिटिंग होती है। नाउ इनमें से कौन सा सेशन लोकसभा का नहीं है? अभी अभी आप लोगों को तीनों का नाम बताया है, तो कौन सा नहीं है लोकसभा का? कांक्षा, पीडीएफ आप लोगों को सफलता के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है सफलता का, सफलता क्लासेस के नाम से, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा जो लोग टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे हैं, उन लोगों को चैनल पे मिल ही जाती है ना? तो दोनों जगह पे पीडीएफ अवेलेबल होगी। आई डोंट हैव अ पावर वैभव, मुझे कॉन्टैक्ट लेंसेज की जरूरत नहीं, माई आई साइट इज परफेक्टली फाइन। चलिए, आंसर इस वाले का क्या है? दैट इज समर सेशन। समर सेशन नहीं होता है, बजट, मॉनसून और विंटर सेशन, ये 3 सेशन होते हैं लोकसभा के। बजट का दूसरा नाम क्या है? देखो, बजट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको कि वहां पे बजट लिखा है। बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में क्या स्टेटमेंट से डिफाइन किया गया है? बजट को संविधान में क्या कहा गया है? अभिनंदन, शुभम, विशाल, मुस्कान, वैभव,
चलिए, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ, बजट का एक्चुअल में नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इन जनरल टर्म हम लोग बजट बोल देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है, भारत के संसद में इनमें से क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर हम पार्लियामेंट कह रहे हैं तो उसके अंदर इनमें से क्या क्या इंक्लूड होगा। आर्टिकल 112 है, बिल्कुल। अगर बजट की बात करें तो बजट के लिए जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 112 के अंदर है, जिसके हिसाब से सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो सबमिट होने वाला है वो सारा कंसोलिडेटेड फंड का होता है, कंसोलिडेटेड फंड का होता है बजट, ठीक है। कंटिंजेंसी फंड जो है वो तो इमरजेंसी फंड होता है, तो उसका तो बाद में भी अप्रूव हो सकता है, लेकिन ये जो सेटअप होता है ये कंसोलिडेटेड फंड का सेटअप होता है जो बजट के अंदर अनाउंस होता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों होते हैं, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस और प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना कोई बजट, कोई बिल एक्ट बना है आज तक? नहीं बनेगा ना। अगर कोई बिल बना भी है, जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं कर रहे तब तक कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ये तीनों जरूरी है हमारे पार्लियामेंट में या भारत की संसद के, ये तीनों हिस्सा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा सेशन खत्म होता है। जो लोग पहली बार जुड़े हैं, ये सेशन 9 बजे होता है, तो बहुत ही कन्वीनियंट टाइम है, सब लोग आसानी से ज्वाइन इन कर सकते हैं डिनर के साथ, है ना। एंड ये सेशन करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का होता है, तो यू ऑल कैन प्रिपेयर एंड कम फॉर द होल डे। जितनी भी न्यूज इवेंट्स देखी हैं सारा रिवाइज हो जाएगा। और ये क्लास 9 बजे इसी चैनल पे होता है, तो यू ऑल कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। जो भी है वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड नाइट।